अगर आप एक कार्टून वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आज आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनिमेटेड कार्टून वीडियो कैसे क्रिएट किया जाता है। आज की इस डेट में अगर आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर अगर ज्यादातर स्वाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा ऐसा क्रिएटर जो अभी कार्टून वीडियो क्रिएट करके अच्छा ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, उसका चैनल भी बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया है और बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आपको भी कार्टून वीडियो बनाना है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि बहुत ही आसान तरीके से कार्टून वीडियो कैसे क्रिएट किया जाता है, वो भी अपने मोबाइल फोन से। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना है। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूँ, उसके बाद जगह क्रोम ब्राउजर को यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन कर लेता हूँ, उसके मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रोटेट कर देता हूँ, जिसमें आपको और भी अच्छा तरीके से समझ में आएगा। मोबाइल फोन को यहाँ से अपने इसको रोटेट करता हूँ। यहाँ पर ओपन करके सिंपली यहाँ पर मेरा गूगल ओपन होकर आ गया है। सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेबसाइट को सर्च करेंगे जिसको आपको ध्यान से देखना है, चैट जीपीटी करके एक वेबसाइट है जिसको यहाँ पे सर्च करेंगे। सिंपली यहाँ पे सर्च करने के बाद फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है खुल के आता है, ये हमारा वेबसाइट है चैट जीपीटी। इस पर आप लॉगिन अगर किए होंगे सो इस टाइप का खुल के आएगा। आपको लॉगिन करना है जो कि आपको जीमेल आईडी से ऑटोमेटिक लॉगिन कर लेगा आराम तरीके से। यहाँ पर लॉगिन मैंने कर चुका हूँ जो कि इस टाइप का खुल के आ गया। अब यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए, प्रॉम्प्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपली अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट करने के बाद सिंपली हम ये एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली अब क्या होगा, कुछ ही देर के बाद आपको ये वीडियो के लिए आपको स्टोरी क्रिएट करके दे देगा। ये वेबसाइट आपको स्टोरी क्रिएट करके देता है हिंदी में। देखिए जैसे कि मेरे यहाँ पे स्टोरी शो कर रहा है, मैं ये हिंदी का स्टोरी पूरी अच्छी तरीके से क्रिएट करके दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टोरी के लिए हम यहाँ पे इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए हम यहाँ पे फिर से प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपली ये प्रॉम्प्ट भी आपको ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद ये कुछ ही देर के लिए इमेज का जो हमारा प्रॉम्प्ट होगा उसको क्लिक करके हमारा ला देगा, इसका प्रॉम्प्ट बन के आ जाएगा, जो कि इमेज क्रिएट करने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर एट हमारा इमेज के लिए प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पर क्लियर करके दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम फिर से अपना गूगल पर जाएंगे और एक फिर से वेबसाइट को क्लिक करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, इस बार जो हम प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट के लिए हम इसके इमेज क्रिएट करेंगे इस वेबसाइट के लिए। तो सिंपली क्या, वेबसाइट पर यहाँ पर आ गया हूँ। वेबसाइट पर आने बाद सिंपली हम क्या करेंगे, आइडियोग्राम करके एक वेबसाइट है, इस पर हम यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च में सिंपली हम आइडियोग्राम AI सर्च करते हैं, ऑटोमेटिक इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपको भी यहाँ से ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया दोस्तों, मेरा कुछ इस टाइप का खुल के आ गया। आपको भी ऑटोमेटिक लॉगिन करना है, जो भी बहुत आसान तरीके से लॉगिन हो जाएगा। सिंपली अब क्या करें, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट चाहिए, तो प्रॉम्प्ट हमें क्या करना है, प्रॉम्प्ट फिर से हम जाएंगे चैट जीपीटी पर, जहाँ हमारा प्रॉम्प्ट है वहाँ से क्लियर करके हम अपना क्रिएट करके लाए हुए थे। तो सिंपली हम फिर से यहाँ पर चैट जीपीटी पर आ गए हैं। अब हम क्या करना है, फर्स्ट इमेज क्रिएट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर प्रॉम्प्ट वन है, उसी प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। जो हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट है उसको ही कॉपी करना है, ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट को ही कॉपी करना है। उसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लिए, देन आप क्या करें, आप फिर से आइडियोग्राम पर आए, इसको हमें पेस्ट कर दिए। देन आप क्या करें, जनरेट पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। जनरेट पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर ही हमको यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद ही हमारा पूरी तरह से इमेज बहुत अच्छा इमेज क्रिएट करके दे देगा। फोर इमेज ये क्रिएट करके देखिए, जैसे कि आ गया मेरे सामने। अब यहाँ से कोई सा भी इमेज चूज करके ले सकते हैं। तो सिंपली मैं कौन सा इमेज में एक चूज करके ले लेता हूँ, सिंपली मुझे जो पसंद आया वो इमेज चूज करके ले। आप भी यहाँ पे कोई भी इमेज चूज करके ले सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से ये वाला इमेज यहाँ से चूज कर लेता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक किए, क्लिक करने आप इसको डाउनलोड करके सिंपली क्या करेंगे, इस पर लॉन्ग प्रेस कुछ देर के लिए दबाए रखेंगे। इसी इमेज पर कुछ देर के लिए दबाए रखेंगे, सिंपली यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। सिंपली हम डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद हमारी इमेज डाउनलोड हो जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारा एक इमेज के लिए एक प्रॉम्प्ट मतलब डाउनलोड हो गया है। अब हम दूसरे प्रॉम्प्ट को फिर से कॉपी करेंगे चैट जीपीटी में जाने के लिए। यहाँ पर चैट जीपीटी में फिर से आ गया, दूसरा प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे जिससे हमारा दूसरा इमेज क्रिएट होके आएगा। सिंपली हम क्या करें, दूसरा प्रॉम्प्ट को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे आइडियोग्राम एप्लीकेशन पर। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान स्टेप है। आपको भी इस टाइप का ही फॉलो करना है और ऑटोमेटिक से आपको इमेज वगैरह सब जनरेट कर देगा और अच्छा कार्टून भी बन के आ जाएगा। सिंपली फिर से आइडियोग्राम पर आ गए, जो प्रॉम्प्ट वहाँ से कॉपी किए हुए थे उसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सिंपली यहाँ से फिर से पेस्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ से इरेज कर सकते हैं, जो पहले प्रॉम्प्ट है उसको इरेज किया हूँ। उसके बाद हम क्या करें, सिंपली यहाँ से जो प्रॉम्प्ट को कॉपी किया उसको हम पेस्ट कर दिया, फिर से यहाँ पर जनरेट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से थोड़ी देर ही वेट करना है और ऑटोमेटिक आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। आपको देखने देखिए कितना ही आसान है ये कार्टून बनाना, और आपको भी बनाना है इस टाइप का कार्टून तो वीडियो को एंड तक देखना ही बहुत ज़्यादा काम है इसमें। लेकिन एक बार देख लेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीका समझ जाएंगे, इसलिए आपको देखते रहना है। सो फिर से देखिए हमारा दूसरा
इमेज जैसे आ गया, इसमें इसमें कोई भी इमेज मैं चूज करके ले लेता हूँ सिंपली। तो मैं जो पसंद आया वो इमेज यहाँ पे चूज करके आप भी ले सकते हैं सिंपली। मेरा इस वाला इमेज को मैं पसंद आया, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो इसको भी डाउनलोड क्लिक डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे और हमारा ये भी इमेज डाउनलोड होकर आ गया। अब मैंने दो प्रॉम्प्ट प्रेस किया, मेरा दो इमेज आया। अब मेरे यहाँ पर आठ है, आठ प्रॉम्प्ट हमारे वहाँ पर दिया गया इमेज क्रिएट करने, मतलब हमारा कार्टून के लिए आठ करेक्टर दिया गया सिंपली। उसको हम चूज करेंगे तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, फिर से आगे चैट जीपीटी पर। अब हम इसको क्या करेंगे, तीसरा वाला जो प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे, तीसरा नंबर जो प्रॉम्प्ट है उसको, तीसरा सीन के लिए प्रॉम्प्ट को यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे। फिर से आइडियोग्राम पर आना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर पेस्ट करके ऑटोमेटिक तीसरा वाला इमेज जनरेट करके आना है। इससे भी बहुत अच्छा इमेज जनरेट करके आ गया है, जैसे यहाँ पर भी दो इमेज आया हुआ है, कोई सब इमेज मैं यहाँ से चूज करके ले लेता हूँ सिंपली। ये इमेज लिया, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ऐसे ही वो करना है, ऐसे ही करते करते जितना सीन है, आठ सीन है, आठों सीन का हमारे जो है उसको प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, देन आइडियोग्राम में आके पेस्ट करना है। ऐसे ही आपको आठों सीन का जो इमेज जनरेट करके आना है। उसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे, इस इमेज को हम अपने वीडियो में ट्रांसलेट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, फिर से न्यू टैप करेंगे और हम फिर से गूगल पर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर फिर से एक वेबसाइट आपको मैं बताने वाला हूँ जिससे हमारा क्या होगा, इमेज जनरेट हो जाएगा वीडियो में। तो सिंपली यहाँ पर फिर से वेबसाइट सर्च करेंगे जिसका नाम है ल्यूमा AI। ल्यूमा AI नाम का एक वेबसाइट है जिसको आपको सर्च करना है। ल्यूमा AI को हम सिंपली सर्च करेंगे, देन यहाँ पर सर्च करके आ जाएगा जो मैं फर्स्ट वाला वेबसाइट है, सिंपली उस पर ही क्लिक करना है। ध्यान रखना है आपको बहुत सारे वेबसाइट मिलेंगे, फर्स्ट वाला जो वेबसाइट इस पर ही क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर Gmail ID से लॉग इन करना है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको भी यहाँ पर फिर से Gmail ID से ऑटोमेटिक आसान तरीके से लॉग इन कर लेना है। वो भी लॉग इन करने के बाद सिंपली क्या होगा, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया, उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ गया। जैसे कि आप यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से ध्यान से देखना है आपको क्या करना है। सिंपली यहाँ पर इसके एक इमेज का ऑप्शन खुल के आ जा रहा है, यहाँ पर साइड में क्या करना है, इमेज का ऑप्शन। जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट किए हुए थे तो हमारा फर्स्ट इमेज जनरेट होकर आया हुआ था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाला ही जो हमारा इमेज जनरेट हुआ था उस पर हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाला ही इमेज हमको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक किया तो मेरा बहुत सारा इमेज शो कर रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट इमेज है उस पर हम क्लिक किए तो हमारे यहाँ फर्स्ट इमेज यहाँ पर लोड होके आ गया, सेट हो गया। अब हम क्या करना है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट भी हमको मांगेगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट जो इमेज जनरेट हुआ उसका जो प्रॉम्प्ट जिससे हम इमेज जनरेट किए उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो हम फिर से चैट GPT पर जाएंगे और वहाँ पर जो फर्स्ट इमेज का जो सीन का जनरेट हुआ था प्रॉम्प्ट, उसको प्रॉम्प्ट को सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे, फर्स्ट सीन वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पर इसको हम कॉपी किए हैं। उसके बाद हम क्या कहेंगे, सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फटाफट से। तो उसके कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, दैन फिर से हम जाएंगे ल्यूमा AI वेबसाइट पर जहाँ पे हम अपना इमेज को सेट किए हुए थे, वहाँ पर फिर से जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो इस वाला प्रॉम्प्ट को कॉपी किए उसको वहाँ पर हम फिर से जाके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पर हम इमेज डाले उस पर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पर आ गए फिर से ल्यूमा AI पर, यहाँ पर हम इमेज जहाँ पर पेस्ट किए वहीं पर हम इस वाला प्रॉम्प्ट को भी पेस्ट करेंगे। अब क्या होगा, जैसे हमारा इमेज है उसी का जैसा ही हमारा वीडियो भी बनके आ जाएगा, उसी सीन के जैसा हम बनके आ जाएगा वैसे ही। ठीक, हम क्या करेंगे, सिंपली जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो थोड़ी देर ही वेट करना है आपको, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, थोड़ी देर ही 15-20 मिनट भी वेट करना है, उसके बाद आपका ये वीडियो जनरेट होके आ जाएगा फर्स्ट सीन वाला। फर्स्ट ही सीन का जनरेट होकर आएगा और भी सीन का नहीं, तो सिंपली वैसे ही फर्स्ट सीन का जैसे जनरेट होकर आएगा। ठीक, जैसे ही हमने फर्स्ट इमेज जैसे जनरेट किया, उसका फर्स्ट इमेज से हमने वीडियो जैसे जनरेट किया, वैसे ही आपको जैसे आठ वाला सीन था, आठों सीन का वैसे ही इमेज को वहां से डालना है और उसका जो प्रॉम्प्ट है फर्स्ट, उसका सेकेंड का जो प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट करना है। फर्स्ट वाला इमेज डालेंगे तो फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट है, सेकंड वाला इमेज डालेंगे तो सेकंड वाला प्रॉम्प्ट को डालेंगे, वैसे पेस्ट करते हुए और अपने वीडियो को जनरेट कर लेंगे। इस टाइप का आपका कार्टून बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपको जो कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन में जितना वीडियो को बन के आएगा आठों सीन को वहां पे उसको डाल देना है, उसके बाद डालने पर ऑटोमेटिक उसको वहां से एडिट कर लेना है। सो एप्लीकेशन में लाने के बाद क्या करेंगे, हम सिंपली जो स्टोरी हम जनरेट किए थे वीडियो के लिए उस स्टोरी को हम ऑटोमेटिक अपने वॉइस देकर ही एडिट कर देंगे, अपने वॉइस दे देंगे और वीडियो आपका बन के आ जाएगा। आपको बताना ये वीडियो कैसा है, कैसे बन के आया। सिंपली मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ। अगले जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।